गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज अभी अगला व्लॉग एक आने वाला है, लिविंग इन माय टेंट फॉर 24 आवर्स। तो ये व्लॉग उसका ही प्रिपरेशन का है कि मैं सेटअप करी सब, तो वो सब तो आप देखो। ये देखो, ये एक एक्चुअली टेंट तो नहीं है, ये पूरा एक टेबल है। इसके नीचे मतलब पूरा टेंट ही जैसे है, मतलब टेंट आप बना सकते हो आराम से। तो मैंने अभी फ़िलहाल पीछे ये देखो दो ड्राइंग्स ही लगाई है, एक ये रेनबो वाली और एक ये वाली गार्डन वाली। तो फिर अभी चलो मैं आगे का सेटअप दिखाती हूँ आपको, आगे का क्या है। तो अभी तो मैंने यहाँ पर मेरा एक टैबलेट रख दिया है और मैंने कुछ ड्राइंग बुक वगैरह रख दी, तो बोर हुआ है तो मैं करूँगी और टैब भी देखूँगी और पानी का बॉटल वगैरह। अभी और भी सामान मेरे को लाने का है। और ये देखो, ये सब ब्लैंकेट है, ये एक फरीसा एकदम सॉफ्ट है ये गाइस, और एक मेरा पिल्लो और एक दूसरा छोटा पिल्लो और एक और ब्लैंकेट। इस ब्लैंकेट का मैं आपको सब काम बता दूँ। तो अभी देखो मैं क्या, पहले तो मैं यहाँ अपना पिलो रख देती हूँ। अरे अरे रख जा, हाँ ये देखो पिलो रख दिया। अब देखो ये जो ब्लैंकेट है यहाँ चली जाएगी मैजिक से, जैसे मैं चुटकी बजाऊंगी। तो गाइस ये देखो ब्लैंकेट आ गया। अभी मैं अपना ये वाला जो मेरे फ्रोजन का कुशल है इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। और अभी इसका तो काम बहुत ये है, उसको तो मेरे को मैजिक से ही बताना पड़ेगा क्योंकि उतना तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी अकेले में। तो ये मैं फेंकूँगी और फिर देखना क्या होता है। एक अब ये फैमिली चित्र फेंकने से ये हुआ है, ये क्या हो गया है ना, अभी ये पूरा मतलब ये मेरा जब मुझे पर्सनल अकेले रहना है, मतलब कुछ नहीं चाहिए, तो ये मैं ऐसे ढक सकती हूँ। मतलब बेसिकली दिस इज़ अ कर्टन जो मैंने एक चादर से जुगाड़ करके कष्ट किया है। तो फिर अब ये कर्टन हुआ ना, तो ये एक विंडो हो गई, ये मेरी लिए एक विंडो हो गई। और वहाँ मैं डोर बेल लगाऊँगी अपनी, वहाँ मतलब है यहाँ पर मैं डोर बेल यहाँ लगाऊँगी, यहाँ पर यहाँ से कोई टिंग टोंग ऐसे करेगा तो मैं अपना ये है। और मैं इसको हटा भी सकती हूँ, उसको मेरे को हटाने के लिए करना पड़ेगा क्या, किसी को बोलना पड़ेगा कि भाई हटा दो। देखो फिर मैं इतने एरिया तक तो आ ही सकती हूँ क्योंकि मुझे हटाना होगा तो हटा सकती हूँ ना मैं। और इससे एक और आइडिया भी है, मेरे को एक आइडिया आया है, इससे मुझे आइडिया ये आया है कि इससे ये आइडिया है कि रुको देखो मैं आपको बताती हूँ। जब कोई बैकग्राउंड अच्छा नहीं है अगर आपके घर में, तो आप ऐसे रहकर फ़ोटो खिंचा सकते हो, ये अच्छा सा पिंक की बैकग्राउंड। हाँ और मैं आपको अंदर से भी दिखाती हूँ, अंदर मेरा घर मेरा टेंट फैमिली अंदर से। तो यहाँ जब मैं आपसे बातें करूँगी तो पीछे ये अच्छा सा रेनबो देखो गाइस, कितना अच्छा सा रेनबो है, ये मैंने ड्रॉ किया है और कलर भी कितना अच्छा दिख रहा है। और यहाँ पे मतलब ये दोनों प्रिंटेड है, ये जो पेपर है पूरा मैंने प्रिंट करवाया है और देन उसमें कलर फिल किया खाली। और इसमें तो ज़्यादातर सब कलर ये सब प्रिंटेड है, बस मैंने ये पेंट किया है और ये किया है बटरफ्लाई, इसके क्लाउड्स और इसका पूरा पेड़ का पेड़ नीचे का पूरा पेड़ और ये स्टिक। तो उसका ये जो किट है मैं आपको बताती हूँ क्या किट है। ये मतलब ये देखो गाइस, ये एक पेंटिंग किट है पूरा, इसके अंदर अलग अलग सब स्पंजेस कलर करने के लिए अलग अलग। तो ये अगर आपको भी लेना है तो आप ही ले सकते हो, अगर आपको सिर्फ कलर करने का शौक है ज़्यादा ड्राइंग करने, कलरिंग मतलब बेसिकली कलरिंग प्रैक्टिस, अलग अलग एक्टिविटीज़ है इसके अंदर करने के लिए।
तो ये भी मैं कर सकती हूँ, इसको मैंने साइड में रखा है अपने टैब वगैरह के साथ। तो बस अभी इतना ही है। अब मैं यहाँ बस मेरे को एक बेल लगानी है, तो फिर तो पूरा कंप्लीट है ये। और हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ हम पैर फोल्ड करने हुए हैं, यहाँ पे कुछ भी करने, पैर फैला भी सकते हैं आराम से, फोल्ड भी कर सकते हैं, और यहाँ नींद भी कुछ अच्छी आ जाएगी। पर ऐसे बैठ कर सोना पड़ेगा, पता नहीं क्या होएगा। और भी कैसे भी टेढ़ा मेढ़ा मतलब सो सकते हैं आराम से, पर पैर ऐसे बाहर को फैला कर पूरा सोना पड़ेगा। लाइक मीन्स ऐसे पूरा फैला कर रात के टाइम, और अंदर कैसा लग रहा है पर्दा हमारा, एक वाइट दिख रहा है ये कैमरा में, मगर ये वाइट नहीं है, इट्स पिंक, ऐसा पिंक। हाँ अभी पिंक दिख रहा है, यहाँ पता नहीं अभी भी यहाँ वाइट दिखता है, यहाँ पिंक दिखता है, पता नहीं क्या है। और यहाँ से देखो, इसलिए मैंने आपको खिड़की बोला था, यहाँ से पूरा गैलरी दिखता है, मस्त खिड़की। हाँ, और एक चीज़ कर सकते हैं हम ये पर्दा भी लगा सकते हैं जब मुझे नहीं चाहिए, धूप आ रही है। तो अभी ये वीडियो जल्द आएगा, जल्दी आएगा, अभी ये मैं डालने के बाद वो वीडियो शूट करने वाली हूँ, इस वीडियो को शूट करने के बाद मैं वही वीडियो शूट करने वाली हूँ। तो अब मैं यहाँ बेल लगा दूँगी, फिर तो सब रेडी है। तो बाय गाइस, अब मिलती हूँ मैं आपको अपने चैनल में, और अभी मुझे बहुत खाना वाना भी लेकर आना है, क्योंकि इससे बाहर थोड़ी ना निकलना है मुझे। खाना तो मम्मी से मंगवा लूँगी, कुछ नहीं है, ये हटा कर यहाँ से बोल दो मम्मी खाना दे दो। तो बाय। अब ये बैकग्राउंड देखो गाइस, इस बैकग्राउंड में पिक्चर्स भी क्लियर है। और ये बेसिकली ये टेंट तो था ही नहीं, ये टेबल को ही मैंने कैसे ना कैसे टेंट बनाया है। वही बैकग्राउंड, ये वॉल भी कितनी अच्छी है, और ये दोनों तो बैकग्राउंड में फ़ोटोज़ बहुत अच्छी आ सकती है, इससे फ़ोटोज़ अच्छी आएगी, फ़ोटोज़ क्लिक करनी है तो। ये मेरा है, मैं तो ये रेनबो, मुझे ये रेनबो वाला और ये दोनों मेरे फेवरेट हैं इनमें, तो इसलिए मैंने यही दोनों लगा दी। बाय गाइस, किसको भी आना घंटी बजा कर आएगा मेरे। तो अभी मैं सब रेडी करती हूँ, तैयारी करती हूँ चैलेंज के लिए। बाय।